दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी और दोनों जगह पर जीतेंगे भी। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले संजय निषाद का दावा, सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले संजय निषाद ने यह दाव चला। संजय निषाद की पार्टी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने को तैयार है। निषाद ने बीजेपी के टिकट पर जीते विधायकों को भी प्रभारी बनाया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नए सोशल मीडिया पॉलिसी पर साधा निशाना, शायराना अंदाज में कहा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने और जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत पर सियासत तेज, आज पीड़ित परिवार से मिलेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। फर्रुखाबाद की घटना पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी से इंसाफ की उम्मीद करना गुनाह। टीएमसी ने भी फर्रुखाबाद केस को लेकर उठाए सवाल, कहा पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। टीएमसी ने कहा पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद खुशी बताया, 2 लड़कियों की मौत पर बीजेपी चुप क्यों। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से दिया इस्तीफा, 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा बीजेपी में जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से काम करूंगा। मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, कुछ दिन पहले ही पार्टी ने हर विषय पर टिप्पणी न करने की दी थी सलाह। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में सियासत तेज, मुंबई में अपनी ही सरकार के खिलाफ एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रदर्शन। शिवाजी की मूर्ति टूटकर गिरने के मामले में उद्धव ठाकरे भड़के, 1 सितंबर को महाविकास अघाड़ी के नेताओं के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने बीजेपी को घेरा, कहा शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में भ्रष्टाचार हुआ। प्रतिमा गिरने पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने माफी मांगते हुए कहा छत्रपति शिवाजी हमारे देवता हैं, उनकी मूर्ति गिरना हमारे लिए सदमा है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी, 5 सितंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख, 9 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट, 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया, वन विभाग ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, अब तक 9 लोग भेड़ियों के शिकार, वन विभाग और पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। नथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात में कर रहे हैं पहरेदारी, बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम योगी ने नजर बनाई है, बहराइच में पीड़ितों से मिले वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बहराइच में सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़ियों की तस्वीर कैद हुई, तस्वीरों में भागता नजर आया भेड़िया, वन विभाग ने कैमरे के जरिए भेड़ियों की तस्वीर कैद की। ऑपरेशन भेड़िये में वन विभाग और पुलिस की 16 से ज्यादा टीमें जुटी। कुपवाड़ा के तंगधार और माछल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। देर रात से इलाके में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन, सेना को मिली थी इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, लाठी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शिंदारा सेक्टर के दाछी जंगल से भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किए, ग्रेनेड कहां से आए इसकी जांच जारी। असम राइफल्स ने भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर सेकमाइजिन के लिए अवैध हथियार बरामद किए, स्टैनगन, 2 पिस्टल, 10 ग्रेनेड जब्त। देश भर में 16 जगहों पर एनआईए का छापा, विशाखापट्टनम जासूसी केस में कर्नाटक, केरल, गुजरात, यूपी समेत 16 जगहों पर छापेमारी। ममता बनर्जी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भड़के, कहा दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अपने लोगों से आग लगवा रही है, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखाओ। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कहा विधेयक को पारित करने के लिए गवर्नर को भेजेंगे। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से की काम पर लौटने की अपील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन का दिया है आदेश, लेकिन मैं डॉक्टर्स का करियर खराब करना नहीं चाहती। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, रेप और मर्डर के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, आरोपियों को बचाने के लिए डॉक्टर्स को धमकाने की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में संविधान को बताया खतरे में, कहा दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। मायावती ने देश भर में बढ़ रही बच्चियों और महिलाओं पर रेप हत्या की घटना को बताया दुखद, कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र व राज्य सरकारें उठाएं सख्त कदम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इसलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया, कहा रेप के आरोपी के घर पर 1 हफ्ते में चले बुलडोजर, 1 हफ्ते में बुलडोजर नहीं चला तो खुद चलाऊंगा।
बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कमिश्नरेट सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा, कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अपराध में तेजी। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। 5 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई, तब तक गिरफ्तारी पर रोक जारी। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 5 दिन समुद्र से दूर रहने की नसीहत दी। सभी जिलों में अगले 2 दिन में तूफान आने की आशंका जताई। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे 12,000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ एसडीआरएफ फायर फाइटर्स की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। गुजरात के जामनगर में जबरदस्त बारिश, नदी नाले उफान पर, रणजीत सागर बांध हुआ ओवरफ्लो। वडोदरा में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखी गई। शहर में जल भराव की ड्रोन इमेजेस आई सामने। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। डैम के 2 फीट ऊपर से बह रही है नदी। शहर में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। बाढ़ प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते पानी में डूबे घर। अकोटा स्टेडियम इलाके में घर की छत पर मगरमच्छ नजर आया। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर भारी बारिश के चलते महाराजा साईजीवराव यूनिवर्सिटी के परिसर में मगरमच्छ घुस गया था। गुजरात के द्वारका में वायुसेना ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया। कल्याणपुर इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। राज्य में लगातार बारिश के चलते मौजूदा हालात की जानकारी ली। दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर बारिश। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव, ट्रैफिक भी हुआ स्लो। दिल्ली के आईटीओ इलाके में झमाझम बारिश। जलभराव के चलते सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में भी सड़कों पर लगा ट्रैफिक का लंबा जाम। रिंगती नजर आई गाड़ियां। दफ्तर जाने वाली जो लोग हैं उन्हें हुई परेशानी। दिल्ली के धौलाकुआं में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। लोगों की परेशानी भी इसके साथ बढ़ी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज के पास जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। दिल्ली के मेहरौली इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। नोएडा के कई हिस्सों में तेज बारिश, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश, गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, संगम घाट डूबा। चंडीगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। आईएमडी ने राज्य के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2 मंजिला मकान की छत ढहने से 3 महिलाओं की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें। बिहार के पटना में पुनपुन इलाके में दीवार गिरने से 40 लोग घायल। पूजा के दौरान गिरी दीवार, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मिजोरम में भारी बारिश ने तबाही मचाई। कावनपुई इलाके में लैंडस्लाइड से रेलवे स्टेशन ढहा। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में बस में आग लगी। बस में सवार सभी यात्री हालांकि सुरक्षित। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापने का खुलासा। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मदरसे से 100 रुपए के 1.5 लाख नकली नोट मिले। नोट छापने वाला प्रिंटर और कागज भी जब्त। नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूला। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने शराब के नशे में लकड़ी का 30 किलो का टुकड़ा ट्रैक पर रखा था। ट्रेन को पलटा कर होना चाहते थे फेमस। कृष्ण भक्ति में डूबे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर में झाल बजाते नजर आए। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के क्रेच का उद्घाटन किया। कहा, हमारा विचार एक सुरक्षित आकर्षक वातावरण बनाने का है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की। विराट कोहली 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर 8 पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का फायदा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम को 6 स्थान का नुकसान। 3रे से सीधे 9वें नंबर पर खिसके। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इंपैक्ट प्लेयर नियम का किया बचाव। बोले, इससे यंग प्लेयर्स को मिलती है मदद। ये नियम खेल को दिलचस्प बनाता है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई पर सवाल उठाते हुए कहा, रोहित विराट और बुमराह को भी देना चाहिए था घरेलू क्रिकेट में मौका। वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3रा T20 मुकाबला 8 विकेट से जीता। 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। बारिश के कारण 13 ओवर के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 108 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 10वें ओवर में ही टारगेट को चेज कर मुकाबला जीता। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने कई बदलाव किए। टीम में अबरार अहमद और कामरान गुलाम की वापसी। शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमाल भी
टीम के साथ जुड़ेंगे। हेनरिक क्लासेन पारिवारिक कारणों से कैरेबियन प्रीमियर लीग से हटे, सेंट लूसिया किंग्स ने उनकी जगह न्यूजीलैंड के टिम साइफोर्ट को चुना। शाकिब अल हसन पर लगे आरोपों पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फारूक अहमद ने कहा, जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक बांग्लादेश के लिए खेलते रहेंगे। पेरिस ओलंपिक्स की डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर ने क्रिकेट को लेकर कही बात, कहा विराट कोहली, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहती हूं। चीन में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। भारतीय महिला टेबल टेनिस प्लेयर अर्चना कामत ने छोड़ा अपना खेल, अर्चना अब अमेरिका में अपनी पढ़ाई करेंगी पूरी।